सो वेलकम इंजीनियर्स टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे गवर्नमेंट की तैयारी करते हुए सिविल इंजीनियर्स के लिए भी और उन सिविल इंजीनियर्स के लिए भी जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मतलब कि ये क्वेश्चन तो आता ही है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में और उसी के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन पर काम करता है उसे ये बनाना पड़ता है, उसे ये मॉनिटर करना पड़ता है। पहले तो सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये क्या है, ये क्या है और भाई ये क्या है? अगर जवाब नहीं पता है तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की, कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन जॉइंट, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। देखो दोनों में स्पेलिंग का भी फर्क है और प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है, ध्यान देना है, कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्शन। इसी के बाद एक्सपांशन जॉइंट, सबसे फेमस जॉइंट है ये, और उसी के साथ साथ आपने सुना होगा एक कंट्रोल जॉइंट। तो कंट्रोल जॉइंट को ही हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और कंट्रोल जॉइंट एक ही है, आइसोलेशन जॉइंट और एक्सपांशन जॉइंट एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जॉइंट हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो कि है कंस्ट्रक्शन जॉइंट, और उसकी डेफिनेशन बिल्कुल लिखा हो मैंने, आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं एक इमेज के द्वारा, कि समझते हैं हम लोगों ने ये एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट है, मतलब अभी का ये कॉन्क्रीट है, और ये फ्रेश कॉन्क्रीट अभी हमें पोर करवाना है, मतलब ढलवाना है। तो अब ये तो पुराना है, मतलब ये पहले ही क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, पहले स्ट्रेंथ गेन कर चुका है, और ये अभी डाल रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेगा उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। मतलब समझे आप लोग कि पहले से कोई कंक्रीट है, उसके बाजू में उसी के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए उस स्लैब को हम लोग जब फ्रेश कंक्रीट डालते हैं और उन दोनों के बीच में जो जॉइंट आता है उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अब ये जॉइंट प्लांट भी हो सकता है और अनप्लांट भी हो सकता है। प्लांट मतलब कि हमें पता था कि यहां तक हमें करना है, इसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे। ये बहुत बार होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, अगर आप जाओगे तो देखोगे कि हम लोग प्लान करते हैं कि आज यहीं तक करेंगे, कल से यहाँ का काम शुरू हो जाएगा, ये हो गया प्लांट। हम लोगों को पता होता है कि आज क्लाइमेट यार देख रहे हैं कि थोड़ा बदल गया है, तो आज यहीं तक करते हैं, इसके बाद कल से आगे का करेंगे। एक होता है अनप्लांट जॉइंट। अनप्लांट मतलब कि हम लोग काम कर रहे थे, पता चला कि मटेरियल खत्म हो गया, यार रोक दो भाई यहीं पे, अनप्लांट हो गया। उसी के साथ साथ ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जैसे कि काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उसी में हम लोगों ने देखा कि टाइम हो गया है लेबर लोगों का और अब वो जा रहे हैं, और कल है भैया संडे मतलब छुट्टी, तो मंडे को काम होगा, तो हम लोग फिर वहां पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट देने का सोच लेते हैं कि अब यहां पर देंगे और उसके बाद काम यहां से शुरू करेंगे। अब इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों को कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना है। सबसे पहले तो बीच में नहीं देंगे, यहां पर आप लोगों को लग रहा है कि बीच में दिया हुआ है, लेकिन 2/3 ऑफ स्पान पे देंगे, मतलब 2/3 हिस्से पे देंगे हमारे स्पान के, और उसी के साथ साथ मोर देन 3 meters, अगर 3 meter से ज्यादा रहेगा तभी हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट देंगे। मतलब ये जो स्लैब है अगर ये 3 meter से ज्यादा होने वाला है तभी हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट देंगे। 3 meter होता ही कितना है, एक बार में इतना हम लोग कास्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लेस देन 18 meter होना चाहिए, 18 meter से कम होना चाहिए, जैसे आप लोग यहां देख सकते हो 18 meter से कम होना चाहिए और 3 meter से ज्यादा होना चाहिए हमारा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो अब हम आगे चलते हैं और अगला जॉइंट देखते हैं जो कि है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, जो कि ज्यादातर आप लोगों को रोड्स में दिखाई देगा। रोड्स में हम लोगों को ये जॉइंट दिखाई देता है, एक तरीके से ये जॉइंट जो है ये प्लांट क्रैक है, मतलब कि सोची और समझी चाल है ये, कि हम लोगों को पता होता है कि इतना ज्यादा मास कंक्रीटिंग होने वाला है तो यहां पर क्रैक आएगा, तो हम पहले ही एक क्रैक बना देते हैं ताकि जो अनप्लांट क्रैक्स है वो हमारे पेवमेंट में नजर ना आए। किस तरीके से वो हम यहां समझते हैं, मतलब कि ये देख रहे हैं आप लोग, ये पहले ही क्रैक कर दिया गया पेवमेंट के ऊपर और उसके नीचे ही क्रैक जनरेट हुआ। अगर ये क्रैक हम पहले से नहीं देते तो ये जो क्रैक जनरेट हो रहा है ये कहीं पर भी हो जाता और हमें पता नहीं चलता, अनप्लांट क्रैक रहता और अच्छा भी दिखाई नहीं देता। अब ये जो क्रैक होगा ये बिल्कुल इसके नीचे ही होगा, इसमें भी देख सकते हो आप लोग, और ग्रूव कितना देना है, मतलब कि ये ग्रूव कट किया गया है तो ये ग्रूव कितना कट करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये कट करना है 1/4D मिनिमम 1/4D करना है। यहां पर आप लोगों को 1/4 नहीं नजर आ रहा होगा लेकिन इमेज मुझे यही मिली, लेकिन 1/4D ही करना है आप लोगों को, 1/4D मिनिमम करना है। डी मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब और 1/4 करना है हमें, तभी जाके हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बन पाएगा और इससे क्या होता है अनप्लांट क्रैक्स जो है वो नहीं होगी हमारे पेवमेंट में। आगे चल के देखते हैं हमारा नेक्स्ट
एक्सपांशन जॉइंट, एक्सपांशन जॉइंट की इमेज आप लोग देख पा रहे हो। ये मैं कहूं एक तरीके से ये जो एक्सपांशन जॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूं ये हाईवे का है, मतलब कि रिजिड पेवमेंट का है। रिजिड पेवमेंट में हम लोग एक्सपांशन जॉइंट देते हैं और उसमें हम लोग डॉवेल बार देते हैं। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट में ये सवाल भी आ सकता है आप लोगों को, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता ही है कि टाई बार कौन से जॉइंट में दिया जाता है। ऑप्शन भी दिए जाएंगे आपको कि एक्सपांशन जॉइंट, उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, या बोथ या ऑल ऑफ अबव, ऐसा कोई ऑप्शन आएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो है कंस्ट्रक्शन जॉइंट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जॉइंट में टाई बार दी जाती है, क्योंकि एक जो पेमेंट है वो पहले सेट हुआ हुआ है और दूसरा जो मटेरियल जो कंक्रीट डाला जा रहा है वो फ्रेश है, तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए एक बार दी जाती है, उसे बोला जाता है टाई बार, और टाई बार दिया जाता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट में, नोट कर लीजिएगा इसे। अब एक्सपांशन जॉइंट में कौन सी बार दी जाती है, तो डॉवेल बार दी जाती है, एमएस डॉवेल बार, ये आप लोगों को देखिए अच्छे से, एमएस राउंड डॉवेल बार, ये आईआरसी का कटआउट है, आईआरसी 15/2011 का। और उसी के साथ साथ ये पूरा होता है, ऑल अलोंग द लेंथ होता है, मतलब जितना बड़ा हमारा पेमेंट होगा उतनी ही डेप्थ इसकी कट की जाएगी। और अगर मैं बात करूं, ये तो रिजिड पेमेंट की बात हो गई, फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में भी अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो हाईवे कंस्ट्रक्शन कोर्स में आप एनरोल हो सकते हो और सारी चीजें डिटेल में सीख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर मैं रिजिड पेमेंट की बात करूं, तो इसकी थिकनेस की बात करूं मैं अगर, तो इसकी थिकनेस होती है 20 से 25 mm, 25 mm आखिरी है रिजिड पेमेंट में एक्सपांशन जॉइंट देने के लिए। और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की अगर मैं हमारे ग्रूव के थिकनेस की बात करूं तो वो 8 से 10 mm की होती है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में, ठीक है। तो यहां आप लोग देख रहे हो, इसी के बाद ये सीलेंट है, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में भी डाला जाता है उसी के साथ साथ हमारे एक्सपांशन जॉइंट में भी डाला जाता है। अगर सीलेंट के बारे में और इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, मैं बिल्कुल आप लोग के लिए ऐसा एक वीडियो लेकर आऊंगा। अब आगे चलते हैं और इसके हम लोग डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन आप लोग पढ़िए, एक्सपांशन जॉइंट इज प्रोवाइड टू स्पेस इनटू व्हिच पेवमेंट कैन एक्सपांड, जो पेवमेंट एक्सपांड हो सकते हैं थर्मल एक्सपांशन की वजह से। बहुत बार कंक्रीट जो है वो एटमॉस्फेयर की वजह से एक्सपांड होता है, तो उस एक्सपांशन के लिए एक जगह चाहिए होती है, एक स्पेस चाहिए होती है, वही स्पेस हम लोग बनाते हैं। और रिलीविंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, मतलब जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है उसे वो रिलीव कर पाए, छोड़ पाए, इसलिए हम लोग बनाते हैं। ड्यू टू एक्सपांशन एंड इनहैबिटिंग एनी टेंडेंसी टुवर्ड्स बल्किंग ऑफ कंक्रीट, बल्किंग रोकने के लिए भी हम लोग ये काम करते हैं, क्योंकि कंक्रीट की टेंडेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी है कि एटमॉस्फेयर के साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो एक्सपांड हो जाता है, इसलिए हम लोग एक्सपांशन जॉइंट देते हैं। अब बात करते हैं तो रोड की होगी, बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग में अगर मैं एक्सपांशन जॉइंट की बात करूं तो एक्सपांशन जॉइंट अगर बिल्डिंग में देखा जाए तो एक्सपांशन जॉइंट शॉल बी प्रोवाइडेड एट लेंथ, मतलब कितने कितने दूरी पर देना है ये एकदम हम क्लियर कर लेते हैं। एक्सपांशन जॉइंट को आरसीसी स्ट्रक्चर रहा तो 45 मीटर, अगर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर रहा, ब्रिक स्ट्रक्चर रहा तो 30 मीटर, बाउंड्री वॉल रही तो 10 मीटर, और उसी के साथ साथ ओवरहैंगिंग मेंबर्स रहा, फेशिया, तो 6 मीटर। ये आप लोगों को एकदम ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने 3 जॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला पढ़ा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन जॉइंट जिसमें दी जाती है टाई बार, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जिसमें ग्रूव कटिंग होती है, जिसकी थिकनेस होती है 8 से 10 mm। उसी के साथ साथ हमने और एक जॉइंट पढ़ा जिसे हमने कहा एक्सपांशन जॉइंट जिसमें दी जाती है डॉवेल बार। तो होप करता हूं कि ये पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और ये तीनों जॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, खुशी होती है हमें जब हमारे सब्सक्राइबर हमारा वीडियो देख के कुछ सीखते हैं। तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।